हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राजपूत और स्वागत है मेरे इस चैनल मैन्युफैक्चरर्स गाइड में, जिसमें मैं आपके लिए हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए ऐसे न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आऊं जो आपको कभी भी किसी भी चैनल पे ना देखे होंगे ना सुने होंगे। मेरा तो काम यही है आपके लिए न्यू बिजनेस आइडियाज़ की खोज में निकलूं। उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, कभी भी जाना पड़े तो मैं जाता हूं। अभी जो लॉकडाउन का सिचुएशन है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो चुका है, तो मैं आ गया हूं कोचीन के पास, एक कैलिडी शहर में जो कि केरला में आता है। इतने दूर विजिट करने का मोटिव यही था कि जो सर एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आए आपके लिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पूरा समझ लूं और मेरे चैनल के थ्रू आपको भी समझाऊं। तो आइए जानते हैं राजेश सर से कि क्या है आपके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हेलो सर। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजेश, मैं 11 साल से ये काम करता है। मेरा यूनिट का नाम विजय बीवी मिल्स, एक केरला में कोचिन के पास कालड़ी में है। ओह, कालड़ी आदि शंकराचार्य का बर्थ प्लेस है, इसलिए पूरा वर्ल्ड में कालड़ी का नाम चलता है। अच्छा, 1000 के ऊपर आदमी को ट्रेनिंग दे दिया। 1000 से ऊपर, 1000 के ऊपर आदमी को ट्रेनिंग दे दिया। ज़्यादा आदमी ये व्यवसाय में आया था। अच्छा, वो अच्छा तरह बिजनेस करता है अभी, केरला में है। अच्छा, आंध्रा में है, तमिलनाडु में भी है। अच्छा सर, को थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए कि वो बोलना क्या चाहते हैं। हमारे साथ इतना कस्टमर्स है, उसको मिशनरी देता है, ट्रेनिंग देता है। अच्छा। और रॉ मटेरियल भी देता है, उसके बाद वो माल बनाने के बाद कैसा मार्केटिंग करेगा वो भी हम एडवाइस देता है। 1000 का ऊपर आदमियों को ट्रेनिंग दे दिया। अच्छा, उससे ज़्यादा आदमी ये काम करता है अभी। ओहो, अच्छा तरह वो काम करता है। वो 50,000 के ऊपर अभी पर महीना कमाता है कि ये मशीन से जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो आप घर से आसानी से बनाता है और मार्केट में बेच सकता है, और तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है। ओके। उसके बाद वो पोल्यूशन नहीं है, साउंड भी नहीं है, और तो ये माल को सीजन नहीं है, ऑल टाइम में ये माल चलेगा और सीजन। अच्छा। में चलेगा, पूरे आदमी को ये चाहिए, पूरे घर में ये चाहिए, हर घर में डिमांड है, हर घर में डिमांड है। तो सर का जो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट मैं ट्राई करूंगा कि उनको कुछ बातें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं आपको रिपीट करके थोड़ी बताऊँ, जिससे कि आपको इस बिजनेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझो। और अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए। तो सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, मशीन कैसे काम करती है, सारा डिटेल में समझाइए। हम अलग अलग रॉ मटेरियल यूज़ करता है, आइए देखो। ओके, बताइए। ये हम अलग अलग रॉ मटेरियल यूज़ करता है। अच्छा, ये इसमें पफ का रॉ मटेरियल है। ओके। वो अच्छा तरह पानी अब्सॉर्ब करेगा। ओके। वो अच्छा कलर में भी मिलेगा। ओके। उसके बाद वो कॉटन का, एक कॉटन का मटेरियल है। और ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो सारा प्रोडक्ट बनाने को यूज होता है? पूरा रॉ मटेरियल है, पूरा रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल हम भी प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरी चीज लगती है धागा, ये धागा भी हम प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हम धागा लोड करेगा मशीन में। ओके। ये धागा है, ये उसका अंदर लोड करेगा, ये 130 नंबर का धागा है। अच्छा। इसमें 15 इंच विड्थ हमको मिलेगा। ओके। उठाएगा, ये अभी अभी मैं धागा मशीन में इंस्टॉल कर दिया। ओके। उसके बाद इसका अंदर सेट करना पड़ेगा। अच्छा, सेट करने के बाद हमारा काम शुरू होगा। तो सर, ये सेट करने को कितना टाइम लगता है? वो सेट करने के लिए आधा घंटे में सेट आएगा। अच्छा, तो अभी टाइम नहीं है तो थोड़ा हम शॉर्ट में बता। दौड़ा करेगा, फर्स्ट दो धागा पड़ेगा। अच्छा, ये धागा पड़ने के बाद ये प्रेशर में आएगा, इसका अंदर इसको स्ट्रिंग बोलता है इसका नाम। अच्छा, इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर छोटा होल है, इसके अंदर डालेगा। ओके। इसके अंदर डालने के बाद एहम डालेगा, तो सर जब ट्रेनिंग दोगे तो आप समझा दोगे ना ये सारी चीज़ें? ये पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा, पूरा विषय में ट्रेनिंग दे दूंगा। अच्छा। कैसा सेट करेगा,
अलग अलग मॉडल में कैसा सेट करेगा पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा। धागा लगाने के लिए आधा घंटा आएगा। अच्छा। हम एक मशीन में पूरा सेट कर दिया था, ये पहले सेट कर दिया था। ओके। ये मशीन में अभी काम स्टार्ट करता है। पहले धागा क्रॉस में डालेगा। अच्छा। उसको स्टॉपर बोलता है, स्टॉपर। अच्छा, स्टॉपर। हाँ, ये पहले स्टॉपर मिले करेगा। ये डंडा क्या होता है, डंडे से क्या होता है, क्या इसको पुलर बोलता है? ओके। ये टच वो पूरा टाइट करता है, पुलर यूज करता है। अच्छा। धागा डालने के बाद हम कॉटन का मटेरियल यूज करता है, ये 3D मॉडल बनाता है इसमें। अच्छा। ये रॉ मटेरियल कॉटन ऐसे कट करता है, उसके अंदर डालता है। अच्छा। इसमें दो कलर यूज करता है नॉर्मली। Okay. वो 3D, उसका मॉडल का नाम 3D है। अच्छा। अब दूसरा कलर यूज करता है। ओके। तो सर, ये जो रॉ मटेरियल है वो आपसे ही मिलेगा या फिर हम बाहर से ले सकते हैं? हम देता है। अच्छा। हमसे देता है। ओके। बाहर से मिले तो अच्छा रेट आएगा, हम बल्क परचेज करते हैं इसलिए कम रेट में मिलता है। बराबर। देखो स्पीड, देखो ये प्रैक्टिस का स्पीड है ना सर? प्रैक्टिस का स्पीड है, उस प्रैक्टिस आएगा। तो सर, ये सब धागा वगैरह लगाकर हम क्या बना रहे हैं? ये डोरमैट बनाता है। डोरमैट है? या ओहो, वो पूरा घर में यूज करता है। अच्छा। और सर, एक डोरमैट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? ये 15 मिनट में एक डोरमैट बनाएगा। अच्छा। डिपेंड करता है साइज वगैरह पर? हाँ, साइज पर। ये नॉर्मल साइज है, ये 15x24 साइज है। और सर, एक मशीन में एक लोग काम कर सकता है? एक मशीन में एक आदमी काम करता है। अच्छा। और सर, हमें जैसा डिजाइन चाहिए वैसा हम लोग ये कॉटन का पीस यूज कर सकते हैं? हाँ, ये पूरा अलग अलग कलर में आता है ये कॉटन का मटेरियल। अच्छा। और सर, ये जो नीचे है वो क्या है? वो नीचे वो पूरा मैट बनने के बाद वो पूरा रोल आता है। अच्छा। यहाँ ओके। इसके बाद एंड में एक दिन का एंड में ये कट करता है। अच्छा, दिन के एंड में सब एक एक कट करता है। अभी कट करता है। अच्छा। कट करने के लिए लूज कर दिया पहले। अच्छा। उसके बाद ये पूरा बाहर आएगा ऐसा। अच्छा। देखा, ऐसा बाहर आएगा, मतलब बनाते बनाते हमें रोल करना है, बाद में हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ओके। वो नीचे कट कर दिया। उसके बाद हम इस साइड में डाला। अच्छा। अभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यहाँ सेंटर में कट करेगा। कट करने के बाद अच्छा यहाँ टाई करेगा। ओके। देखो, ये पूरा सेट आएगा टाई करने तो। अच्छा। ऐसा तो ऐसे टाई करते जाना है? हाँ, टाई करना पड़ेगा। okay. उसके बाद ऐसा आएगा पूरा। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है? फाइनल प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट। बनने के बाद ऐसा आएगा। अभी हमारा डोरमैट मार्केट में सेल करने को रेडी है। तो सर, अभी मैंने ये मशीन खरीद भी ली, मैट भी बना लिया, तो अभी एक मैट जो होता है उसकी कॉस्टिंग क्या होती है और प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, वो जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए। एक मैट बनाने का खर्चा है 32 रुपीस। अच्छा। इसके बाद ये रिटेल में सेल करता है 70 रुपीस में। ओहो। वो 40 रुपीस एक मैट में प्रॉफिट मिलता है। हाँ, अराउंड मतलब। या हाँ, आप कैलकुलेट करो, एक दिन 30 मैट बनाता है। एक दिन में आप 30 मैट बना सकते हैं? बनाते हैं 8 घंटे में। अच्छा। तो कल का एक दिन आपको मतलब 1200 रुपये तक का प्रॉफिट निकल जाता है? 1200 रुपये प्रॉफिट मिलेगा एक दिन। अच्छा। तो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा नहीं है, कुछ। अच्छा। भी खर्चा नहीं है। ओहो, बिना कुछ किए। या और सर, जो भी आप डिज़ाइन हम लोग देख रहे हैं
वो सारी डिज़ाइन एक ही मशीन में आ जाती है या फिर अलग अलग मशीन लेनी पड़ती है? एक मशीन में एक डिज़ाइन आएगा, और दूसरे डिज़ाइन मंगवाने तो अलग मशीन अलग मशीन है। अच्छा, हमारा साथ 11 टाइप मशीन है। 11 टाइप की मशीनरीज है अलग अलग, और चार मशीन आप डालने तो अच्छा है। हाँ, ज़्यादा आदमी अलग अलग डिज़ाइन का माल चाहिए। मतलब सर का कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जितने मशीन होंगे उतने आप डिज़ाइन मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मशीन लगेगी ज़्यादा डिज़ाइन के लिए। ओके, अगर आप चार मशीन लगाए तो आपको 4,000 to 5,000 एक दिन कमाएगा। ओहो, तो सर ये जो रॉ मटेरियल है वो मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मैम देता है, रॉ मटेरियल मशीनरी रॉ मटेरियल पूरा हमारे साथ है, ट्रेनिंग धागा वगैरह ट्रेनिंग सब दे, पूरा हमारे साथ है। सर का मतलब है कि उनका जो आदमी है वो आपके यहाँ पर आएगा, वो डिसेंबल करके आपके यहाँ भेजेंगे, वो आपके यहाँ पर असेंबल करेगा, ट्रेनिंग देगा कि कैसे प्रोडक्ट बनाना है, कैसे मैट्स बनाने हैं। उसके बाद अब जब तक आप पूरा सीखते नहीं हो, प्रोडक्ट नहीं बनाते हो, तब तक वो जो आदमी वो सर के पास वापस नहीं आएगा। तो सर हम लोगों ने डोर मैट्स भी बना लिए, तो इसकी जो मार्केटिंग है वो कैसे करनी है? मार्केट कहाँ है इसका? वो मार्केट पूरा जगह में इसका मार्केट है। अच्छा, हर एक घर में आप देखता है वो मैट है। हाँ हाँ, वो फ्रंट में एक ही डिज़ाइन है, कमरे में एक ही डिज़ाइन है, टॉयलेट का पास अलग डिज़ाइन है। राइट, वो पूरा जगह में इसको मार्केट है। ये सेल करने को आसान है, हम आपका साथ ज़्यादा स्टॉक है। अच्छा, आपको एक बंदा को सेल करने को फुटपाथ में सेल करने को बोलो। हाँ हाँ, एक आदमी 3,000 to 4,000 का सेल एक दिन मिलेगा। ओहो, और रिटेल पूरा रिटेल में है। राइट राइट, मतलब मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा। या अच्छा कमाओ। तो सर अगर मुझे ये डोर मैट बनाने का जो बिज़नेस है वो शुरू करना है तो उसके लिए मुझे खर्च कितना लगेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? एक मशीन के लिए 48,500 आएगा। अच्छा, एक प्लांट डालने के लिए चार मशीन है तो 2,00,000 आएगा। अच्छा, उसके साथ रॉ मटेरियल भी मिलेगा। अगर आपके साथ चार मशीन है तो ज़्यादा डिज़ाइन मिलेगा, आपको अच्छा सेल मिलेगा, अच्छा मार्जिन भी मिलेगा। सो अगर आपको ये डोर मैट मेकिंग बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो सर का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर का नंबर और एड्रेस है, तो आप खुद जाकर विजिट करके ये यूनिट और मशीन की जानकारी वो डिटेल में ले सकते हो।